माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने की तक दी, आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को विनती करता हूँ कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से पोरबंदर का नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। हम सब जानते हैं कि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है, उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी जी की आज़ादी की लड़ाई में और देश सेवा के लिए सदैव गांधी जी का साथ निभाया और पूरा सहयोग देकर पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया। 1913 में जब दक्षिण अफ्रीका में कानून बना जिसके अनुसार मुसलमान और पारसी अनेक लोगों को विवाह गैरकानूनी ठहराया, जो हिंदुस्तान की जनता के लिए घोर अन्याय था, इस वक्त कस्तूरबा ने गांधी जी के साथ मिलकर इस कानून के खिलाफ महिलाओं के सम्मान के लिए अफ्रीका सरकार के सामने बहुत बड़ा सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने वो कानून हटाना पड़ा। 1922 में जब पूज्य बापू को गिरफ्तार किया गया और छह साल की सजा हुई, इस समय कस्तूरबा ने वीरांगना के स्वरूप में जाना जाते हैं और 1930 में जब नमक के सत्याग्रह में भी बाका अमूल्य योगदान रहा है। इस बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे कस्तूरबा ने राष्ट्रपिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी में महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके स्वास्थ्य की चिंता के लिए बिना आपके जीवन देश को समर्पित किया है अपने। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा ये मानना है कि गांधी जी को महात्मा बनाने में कस्तूरबा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस बहुमूल्य व्यक्ति को देश कभी भूल नहीं पाएगा। इसके लिए आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को विनती करता हूं कि पोरबंदर हवाई अड्डे का नाम कस्तूरबा गांधी के हवाई अड्डे का नाम दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों में इस मात्र स्वरूप कस्तूरबा गांधी की हमारी स्मृति में कायम रहे। इतना धन्यवाद।